हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार्पेट्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है न्यू ड्राइवर्स के लिए, जो लोग नए गाड़ी चलाना सीख रहे हैं उनके लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है गाड़ी की जजमेंट से रिलेटेड, कि हम कैसे किसी कंजेस्टेड एरिया में जज कर सकें कि हमारी गाड़ी लेफ्ट से तो नहीं लगेगी, हमारी गाड़ी राइट से तो नहीं लगेगी, या हमारी गाड़ी फ्रंट से तो नहीं लगेगी। तो कैसे हम एक करेक्ट जजमेंट लें अपनी गाड़ी का। तो गाइस देखो, सीधे सी बात है, जजमेंट जो एक ऐसी चीज़ है, जैसे जैसे आप गाड़ी चलाएंगे वैसे वैसे आपका जजमेंट और बेटर होता जाएगा। तो जजमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं आपको बताऊं और आपको वो जजमेंट आ जाए। बट हाँ, इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे कि जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी जजमेंट करने में गाड़ी की। तो गाइस, सबसे पहले अगर जो जजमेंट के लिए हमारे को सबसे हेल्पफुल चीज़ है वो है हमारे ORVM। सो कभी भी जब भी आप ड्राइव करें गाड़ी के, तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो आपको अपने ORVM एडजस्ट करने हैं। बिकॉज ORVM ही ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी गाड़ी के बैक साइड का जजमेंट देंगे कि आपकी गाड़ी बैक साइड से कहीं पे लग तो नहीं रही, या फिर बैक साइड से क्या आ रहा है। इस सब का करेक्ट जजमेंट आपको ORVM के थ्रू ही मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है गाड़ी ड्राइव करते समय, सबसे पहले आपको अपना रियर व्यू अपने ORVM सेट करने हैं, ताकि आप एक सही जजमेंट ले पाएँ अपने बैक साइड प्रोफाइल की गाड़ी का। तो जो ORVM सेट करने का सही तरीका है गाइस, आपको ORVM इस पोजीशन पे सेट करने हैं कि आपको आपकी कार के बैक साइड का, पूरा बैक साइड नहीं बट एक बैक साइड का प्रोफाइल, छोटा प्रोफाइल दिख रहा हो और साथ के साथ वो आपका कवर कर रहा हो बैक से जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको। अगर आपको ज़्यादा इश्यूज आते हैं तो आप इसके लिए एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर आता है, आप वो भी अपने ORVM में लगा सकते हैं। तो ये ORVM आपको आपकी गाड़ी के बैक साइड का जजमेंट देंगे। उसके साथ साथ अगर आप फ्रंट की बात करें, तो फ्रंट के जजमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी कार का बोनेट है, पहले तो मैं उन न्यू ड्राइवर्स के लिए बोलूँगा, अगर हो सके तो आप ऐसी गाड़ी से स्टार्ट कीजिए जिसका बोनेट विजिबल हो आपके लिए, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा जजमेंट करने में गाड़ी के फ्रंट से। तो जिन जिन गाड़ियों का बोनेट आपको विजिबल हो रहा है फ्रंट से, तो उसमें एक बेटर जजमेंट मिल जाता है आपको फ्रंट साइड से। और जिन गाड़ियों का बोनेट नीचे होता है, या जो गाड़ियाँ थोड़ी नीचे होती हैं, उन गाड़ियों में जजमेंट करने के लिए आप गाड़ी की विंडशील्ड का से आइडिया लगा सकते हैं। और प्लस आपको ये भी जजमेंट होना चाहिए कि आपकी कार का बोनेट कितना आगे निकला हुआ है, तो उस हिसाब से आप जजमेंट कर पाएंगे कि फ्रंट से आपकी कार कहीं से लगेगी या नहीं लगेगी। उसके साथ साथ जो आपको ध्यान रखना है गाइस, वो ध्यान रखना है आपको साइड का जजमेंट। आपको जो आपके बोनेट के जो पोर्शंस है, जो राइट साइड का एक्सट्रीम पोर्शन और जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है, वहाँ से आप जज कर सकते हो कि आपके राइट एंड लेफ्ट साइड में कितना मार्जिन है। स्पेशली उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस बोनेट के साथ साथ आपके ORVM भी है जो साइड में निकले हुए हैं। तो आपको गाड़ी चलाते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कहीं कार आपके ORVM से टच ना हो। तो ओवर वी एम का भी आपको ध्यान रखना है जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। तो गाइज, ये सब बातें सब थ्योरेटिकल बातें हैं। थ्योरेटिकल मैं आपको कितना भी समझा दूँ, वो चीज़ें आपको इतनी क्लियर नहीं हो पाएंगी जब तक हम उसको प्रैक्टिकली ना देखें। तो सबसे ज़रूरी है हम पहले चीज़ों को प्रैक्टिकल देखें। और यहाँ इस चैनल में मैं सिर्फ थ्योरेटिकल बात करने नहीं आया हूँ आपसे, तो हम आज प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे कंजेस्टेड एरिया में हम एक करेक्ट जजमेंट ले सकें। तो स्पेशली मैं इस वीडियो के लिए कंजेस्टेड एरिया में आया हूँ, जहाँ पे हमारे को क्लियर आइडिया मिल सके कि हम किस तरीके से एक कंजेस्टेड एरिया में गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं यार कि कैसे कंजेस्टेड एरिया में गाड़ी ड्राइव करें। तो गाइज, जैसे आप देख रहे होंगे इस समय ये रोड काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है, और जितना हम आगे जाएंगे ये हमें और ज़्यादा कंजेस्टेड मिलेगी। आपको बस ऐसी एरिया में जब भी आप आओ, आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, बिकॉज यार सामने वाला भी देखो चाहेगा कि वो सेफ चले, बट आपको उस पर डिपेंड नहीं होना कि सामने वाला, आपको खुद अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो आपको जहाँ पे लग रहा है कि गाड़ी कहीं लग सकती है, वहाँ पे रुकें, दोनों तरफ ध्यान दें, दोनों ORVM चेक करें, अपने साइड्स चेक करें, एंड उसके बाद उस पोजीशन से गाड़ी निकालें। अब जैसे आप देखेंगे ये एक थोड़ा सा कंजेस्टेड रोड है इस एरिया का, तो हम इस पे कार ड्राइव करके देखेंगे। एंड
देखेंगे कि कैसे हम जजमेंट लगाते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे पोर्शंस, ऐसे बहुत सारी जगह मिलेंगी जहाँ पे आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि हमारी कार वहाँ से निकलेगी या नहीं निकलेगी। उसके लिए जैसे मैंने आपको बोला, बेस्ट तरीका, ओवरवीएम आपके ओपन होने चाहिए, आपको आइडिया, जैसे आगे मेरे आप देख रहे होंगे एक साइकिल चल रही है और साइकिल के पीछे उसने कुछ लगा भी रखा और सामने से कार भी आ रही है, तो इस सिचुएशन में हम कैसे लेंगे? सबसे पहले देखो, मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे लेफ्ट में थोड़ी जगह है, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट में गाड़ी दबाऊंगा और उस कार को जाने का मौका दूंगा। मुझे बैक ओवरव्यू से दिख गया कि वो कार पास हो गई है, सामने से एक और कार आ रही है, तो इस कार को भी हम यहाँ से जाने देंगे। गाइस बिल्कुल पैनिक नहीं होना, अगर आपको लगता है कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे नहीं होगा, पैनिक नहीं होना, दूसरी कार को निकलने दो, जाने दो। आपको ऐसे जब तक आपको लगे ना कि आपकी कार निकल सकती है ढंग से, तब तक आपको कोई हड़बड़ी नहीं करनी, आपको दूसरी कार को जाने देना है। आपको ज़्यादा हड़बड़ी करके अपनी कार नहीं लगवानी यार, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जब तक आपकी जजमेंट सही ना हो, तब तक आप, जब तक कॉन्फिडेंस ना हो कि यार गाड़ी मेरी निकल जाएगी, तब तक आपको ऐसे गाड़ी नहीं निकालनी है। वेट करना है, दूसरी कार को पास होने दो, निकलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपको भी या फिर भी लग रहा है कि गाड़ी नहीं निकलेगी, गाड़ी से बाहर निकलो, जजमेंट लो बाहर प्रॉपर निकल के कि कितना स्पेस है साइड्स में, एंड देन फिर कार निकालो। तो ऐसे पैनिक नहीं होना किसी भी ऐसे सिचुएशंस में आके, और आपका जजमेंट अगर सही होगा तो आई डोंट थिंक सो आपको किसी भी, कितना भी चाहे कंजेस्टेड एरिया हो, आपको वहाँ से निकालने में प्रॉब्लम होगी। आपको बस अपने जजमेंट का ध्यान रखना है, और जजमेंट जैसे जैसे आप कार चलाओगे, जैसे जैसे आप ड्राइव करोगे, जैसे इसको एक्सपीरियंस आएगा, आपका जजमेंट बेटर होता जाएगा। तो उस चीज़ को लेके आपको टेंशन होने लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखना है, जब भी कोई चीज़ पास पीछे से आ रही हो, ओवरवीएम चेक करते रहो। ओवरवीएम से आपको आइडिया लगेगा कि आपकी का पीछे से क्या चीज़ें आ रही हैं, और या जब आप आगे, जब किसी कंजेस्टेड एरिया से आप कार निकाल रहे हो, आपने फ्रंट तो निकाल लिया बट बैक कहीं लग नहीं रहा, लग रहा है या नहीं लग रहा, ये सब सारा जजमेंट आपको ओवरवीएम से ही आएगा। तो बस इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कार से ड्राइव करते समय। आपको यार रोड पे ना तरह तरह के लोग मिल जाएंगे, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको सेफ खुद होके चलाना है, अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आप बाहर निकलो, आप रोड पे चलाओ और कहीं आपकी गाड़ी लग जाए और सामने वाला बाहर निकल के बोले चाचा विधायक है, तो आप ऐसे लोगों से बचो। और बस ज़्यादा फाइट नहीं है यार, कोई ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है। ओवर भी हम चेक करो, जैसे मुझे दिख रहा है मेरी कार निकल सकती है, तो मैं यहाँ से अपनी कार निकाल लूँगा। कोई हड़बड़ी नहीं करनी है गाइस, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, कोई ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप किसी भी सिचुएशन में आराम से गाड़ी निकाल सकते हो। जैसे आपको आगे मेरे को दिख रहा होगा, आपको जो जिस गली में मैं भी आ रखा हूँ, मैं ये इसमें सिर्फ एक कार आने की जरूरत जगह है, तो अब मुझे दिख रहा है आगे कार है, तो उसको हम आने देंगे, उसको हम पास लेने देंगे, एंड उसके बाद हम यहाँ से निकालेंगे। किसी ऐसी जगह में फंसने से बेटर है कि हम वेट करें और दूसरी गाड़ी को पास दे दें निकलने का। ऐसी जगह पे ड्राइव करते समय आप थोड़ा क्लच, हाफ क्लच पे ही गाड़ी ड्राइव करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आप क्लच पूरा छोड़ के तो ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो क्लच हाफ रखना है, क्लच को उतना ही रिलीज करना है जिससे हमारी गाड़ी भी बंद ना हो और हम इजिली वहाँ से निकल भी सकें। जैसे आप देख रहे हो ये कंजेस्टेड एरियाज़ में कैसे हमें ड्राइव करनी है, जैसे आपको दिख रहा होगा मेरे लेफ्ट में भी चीज़ें हैं, मेरे को लेफ्ट से ओवरवीएम से आइडिया मिल रहा है कि मेरे लेफ्ट में क्या है, राइट के ओवरवीएम से मुझे राइट का आइडिया मिल रहा है। उसी तरीके से आपको गाड़ियाँ निकालनी है, लेफ्ट एंड राइट का जजमेंट आपको बोनट से भी आप ले सकते हो अपने, एंड बोनट से जजमेंट लेने के बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बोनट के बाद आपके कुछ ओवरवीएम का पार्ट भी है, जो आपको निकालते समय ये ध्यान रखना है कि आपको इतना डिस्टेंस मेंटेन रखना है कि आपका ओवरवीएम भी ना लगे कहीं पे। और आपको अगर ऐसे लग रहा है कि कहीं पे एकदम ही कंजेस्टेड जगह है और आपका ओवरवीएम भी लग सकता है, तो आप अपने ओवरवीएम फोल्ड कर लें उस समय।
तो बस इन चीज़ों का ध्यान दीजिए गाइस। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कंजेस्टेड एरियाज में गाड़ी नहीं चला सकते, बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंस लूज करने की ज़रूरत नहीं है। कंजेस्टेड एरिया हो चाहे कोई भी हो, जैसे जैसे आपकी जजमेंट क्रिएट करेक्ट होती रहेगी वैसे वैसे आप किसी भी कंजेस्टेड एरियाज में भी गाड़ियाँ चला सकते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी फाइट नहीं है। और ये तो बात सिर्फ मैं बात छोटी कार्स को तो चलो ठीक है कम फाइट होती है, अगर आपकी जजमेंट अच्छी है तो आपको बड़ी कार्स को भी चलाने में इतनी फाइट नहीं आएगी कंजेस्टेड एरियाज में। तो बस अपने जजमेंट पे ध्यान देना है एंड जजमेंट करेक्ट करने का मैंने आपको टिप्स बताए कि आपको किन किन चीज़ों में ध्यान रखना है। ORVM ज़रूर खोलने हैं गाइस, बिना ORVM खोले गाड़ी मत चलाइए, ORVM आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ये आपको आइडिया देते हैं, आपको सही जजमेंट लगाने में आपका हेल्प करते हैं। तो ORVM हमेशा खोल के गाड़ी चलाएं और स्पीड का ध्यान रखें कंजेस्टेड एरियाज में, ज़्यादा ओवर स्पीड ना करें, ओवर स्पीड में गाड़ी कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अपने ओवर स्पीड पे भी ध्यान रखें एंड करेक्ट जजमेंट के साथ गाड़ी निकालें। तो गाइस सिंपल सी टिप है ये और बस यही टिप्स फॉलो कीजिए और कितना भी कंजेस्टेड एरियाज हो आप इजीली यहाँ से गाड़ी निकाल सकते हैं, जहाँ पे कहीं लगे पहले ही आपको पास दे देना है गाइस। अब जैसे स्कूटर आ रहा है यहाँ से, थ्री व्हीलर आ रहा है, मैं इसको पहले ही पास दे दूंगा ताकि ये निकाल सके एंड इसके निकालने के बाद आप अपनी कार निकाल सकते हो। हॉर्न का यूज़ करो गाइस, अगर किसी ऐसे कंजेस्टेड जगह में हो तो हॉर्न का यूज़ करो, बिकॉज कुछ नहीं पता आपको कौन कब कहाँ से आ जाए, ऐसे एरियाज में ये बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि कोई भी कहीं से भी निकल जाता है। तो प्लीज़ हॉर्न का यूज़ करो, मोड्स एंड कट्स पे हॉर्न यूज़ करके निकलो ताकि सामने जो आ रहा है उसको भी आइडिया मिल जाए कि कुछ आ रहा है और आपके पास भी टाइम हो ताकि आप भी बता सको कि किसी को कि आप वहाँ से क्रॉस कर रहे हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो और ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो। और गाइस अगर ऐसे ही कोई और टॉपिक है जिसको आप क्लियर करना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ट्राई करूँगा उस बारे में वीडियो बनाने के लिए। एंड गाइस ये जो टिप्स मैंने आपको बताई ये मैं फॉलो करता हूँ, हो सकता है कि कुछ लोग एग्री ना करें इन टिप्स से, बट ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने आपको बताया गाइस, हो सकता है किसी और का एक्सपीरियंस कुछ अलग हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस अलग बोलता है या आपके पास कोई और बेटर वे है जजमेंट करने का इन जगहों पे, तो आप मुझे वो बता सकते हैं। हो सकता है मैंने कुछ गलत बोला हो इस वीडियो में, बट ये मेरे सारा एक्सपीरियंस के बेसिस पे और जैसे मैं ड्राइव करता हूँ ऐसे एरियाज़ में उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड गाइस अगर प्लीज़ आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक टू माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मिलता हूँ आपसे मैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ।